नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। हम इसमें आपको बताएंगे जो एप्सन प्रिंटर है L8050, ये प्रिंटर है आपका, देख सकते हैं। इसमें हम पीवीसी कार्ड कैसे प्रिंट करेंगे वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। हम आप आगे अपने सिस्टम पे, और हम जैसे कि फाइल है उसको ओपन कर लेंगे, फोटोशॉप वगैरह ये किसी में भी ओपन कर सकते हैं हम। ये देखो, देख इसको करने के बाद हम इसको क्रॉप कर लेंगे फाइल को। ये फाइल हमारा क्रॉप हो चुका है। फर्स्ट है ये जो आधार कार्ड में डबल साइड होता है, ये फ्रंट साइड है। अब इसका इसके बाद बैक साइड है, दोनों को हम क्रॉप कर लेंगे अच्छी तरीके से। इससे पहले भी हमने एक वीडियो डाली थी, बट उसके अंदर क्या है, हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का यूज कर लिया था, जिसमें यूट्यूब ने हमारी वीडियो डिलीट कर दी, क्योंकि उसमें यूट्यूब की जो पॉलिसी है उसको हमने उल्लंघन किया था। इसलिए हम दोबारा से वीडियो बना रहे हैं। आप भी अगर बनाना हो तो ऐसी बनाएं और डॉक्यूमेंट यूज ना करें। ये एप्सन का सॉफ्टवेयर है इनका अपना, इसको ओपन कर लेंगे। एप्सन प्लस, फोटो प्लस, अगर ये आपके पास नहीं है डाउनलोड तो आप इंस्टॉल कर लेना, गूगल क्रोम पे आसानी से मिल जाएगा ये, आप डाउनलोड करोगे ड्राइवर। तो हम इस पर आईडी कार्ड पे क्लिक करेंगे पीवीसी कार्ड प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। इसका जो कार्ड साइज होगा 54x86 mm पे होगा, ठीक है। यहाँ लैंडस्केप पे पहले क्लिक कर लेंगे, उसके बाद ओके पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ फ्रंट और सेकंड दोनों साइड का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो हम इसमें से चूज़ करेंगे, पहले यहाँ से ऐड होगा आपका, यहाँ से हमने फ्रंट ऐड कर लिया है, देख सकते हैं आप। ओके, अब इसको साइज मैच कर देंगे, जितना ये साइज है सिर्फ उसी साइज का एरिया प्रिंट होगा। तो आप जितने जो डॉक्यूमेंट प्रिंट करना हो तो इस साइज के हिसाब से आप मैच कर लेना एरिया, अगर कम ज़्यादा हुआ तो फिर आपका प्रिंटिंग में दिक्कत आएगी। इसके हिसाब से आप मैच कर सकते हो एरिया, ठीक है। आपने मैच कर लिया, मैच करने के बाद ये उसका सेकंड साइड आ जाएगा, बैक साइड। ये हम इस पे रख लेंगे अभी फिलहाल, ये ट्रे में जो सेकंड साइड ऑप्शन है उसके लिए होता है ये, ठीक है। हमने फ्रंट पहले यूज कर लिया, सेकंड हटा देते हैं अभी, पहले फ्रंट का हम प्रिंट करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए, यहाँ पे नीचे प्रिंटिंग का ऑप्शन आएगा, हम इस पे प्रेस करेंगे, क्लिक कर दिया, यहाँ पे आ चुका है प्रिंटिंग का। ओके, ये सेंडिंग द प्रिंट डाटा, और ठीक है ये डाटा जा चुका है, ठीक। अब हम आपको प्रिंटर पर दिखाएंगे, ये देखिए यहाँ पे जब ये रेड सिंबल जल जाएगा आपका, उसके बाद आपको ट्रे लगानी है। ये ट्रे में दिखा देता हूँ, ये रहा आपका। इसमें फर्स्ट साइड में हम पहले एक बार निकाल के और दोबारा दिखाएंगे। इसमें देखिए फर्स्ट लिखा हुआ है, तो हम सिर्फ फर्स्ट वाले पे रखेंगे क्योंकि हमने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया था। अब इस पर हम पीवीसी कार्ड रख देंगे अपना, और उसके बाद हम इसके अंदर ट्रे लगाएंगे अपनी। ट्रे लगने के बाद निशान दी, जो व्हाइट वाला निशान है सिर्फ यहीं तक लगाना हमें ट्रे, इसके आगे नहीं लेके जाना, ठीक है। उसके बाद हम बटन प्रेस कर देंगे, उसके बाद देखो ये आप अपने आप ही जो है ऑटोमेटिक ये ले लेगा प्रिंटिंग के लिए। ये देखो जा चुका है प्रिंटिंग के लिए। अगर आपको कुछ डाउट हो तो ऊपर खोल के भी अपना बॉक्स देख सकते हैं, इसमें किसी भी तरीके का एरर नहीं आता, आप ऊपर से देख सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं हमारे यहाँ डस्ट आ गया, तो इसकी हम भी सफाई कर देंगे, क्योंकि इन प्रिंटर को मिट्टी से बचाना होता है। ये देखिए एरिया प्रिंट हो रहा है हमारा, और इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, साथ में फास्ट प्रिंटिंग भी बहुत ज़्यादा करता है। इसमें एरर का जो है नामो निशान नहीं है, तो बहुत बढ़िया प्रिंटर एक तरीके से। ये देखिए फ्रंट साइड हमारा प्रिंट हो चुका है, अब ये निकलेगा प्रिंट होकर, ये देखो ये आ गया, इसको हम खींच लेंगे, ये देखो। इसके बाद ये अपनी सर्विस करेगा, देखो। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जो ये कार्ड प्रिंट हो जाएगा तो उसे 1 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ दे, एक नहीं तो 10 से 20 सेकंड तक इससे कार्ड को हाथ नहीं लगाना, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये गीला हो जा रहता है, इसका प्रिंटिंग उड़ जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, और इस कपड़े पे जो ट्रे होगा इस पर हम कपड़ा मार लेंगे, किसी भी तरीके का कोई इंक जो आया होगा एसेस वो कार्ड पे नहीं आएगा। फिर हमने कपड़ा मार लिया, अब इसमें हम जो कार्ड पलट करके लगाएंगे वो हम दिखाते हैं किस तरीके से लगाएंगे। ये पहले इस तरीके से आया था, ठीक है, और इस तरीके से हम दोबारा से इसे पलट के लगा देंगे। पलटते समय सावधानी रखना, नहीं उल्टा सीधा भी प्रिंट हो जाता है आपका, ठीक है। अब यहाँ से हम सेकेंड एरिया डाउनलोड करेंगे, पहले फर्स्ट वाले को डिलीट ऑप्शन पे डिलीट कर देंगे, ठीक है। फिर दोबारा वही ऑप्शन होगा,
ठीक है, इस एरिया को सेट कर लेंगे इसको बढ़िया तरीके से। हाँ देखो सेट कर लिया हमने एरिया, उसके बाद ये देखो इसमें एक बार हम दिखाएंगे आपको इसकी जो सेटिंग होगी वो ऐसी होगी, एप्सन L8050 नेटवर्क कार्ड में जो होगा 54x86 mm, और ये लेआउट जो होगा बोर्डलेस, पेपर जो सोर्स होगा वो डिस्क टाइप, मीडिया जो टाइप होगा PVC ID कार्ड, प्रिंट क्वालिटी स्टैंडर्ड, प्रिंट पेज ऑल प्रिंट। ठीक है, अब ओके पे क्लिक कर देंगे इस पर, ये प्रिंटिंग फिर से सेंडिंग डाटा जा रहा है आप देख सकते हैं। ठीक है, ये डाटा जा चुका है, अब वहाँ पे एरर आ जाएगा दोबारा से। देखो यहाँ पे ये एरर आ चुका है, अब दोबारा से हम सेम प्रोसेस करेंगे, ये ट्रे को अंदर डाल देंगे और ये प्रिंट होने के लिए दोबारा चल दिया है। देखो इसके लिए हम ये देख सकते हैं कि कितनी जल्दी प्रिंट हो रहा है, इसके लिए आप सेकंड काउंट्स कर सकते हैं। ये देखो प्रिंटिंग, प्रिंटिंग की क्वालिटी भी बेहतर है इसकी और एरर है नहीं इसके अंदर। तो ये जो हमारा प्रिंटर पहले यूज करते थे L805 805, उससे बहुत बढ़िया प्रिंटर है PVC यूज करने के लिए, तो आप भी मंगा सकते हैं। 21,000 रुपये का आ रहा है, इसके लिंक भी डाल देंगे हम डिस्क्रिप्शन में, आपको 21 या 22 हज़ार का आपको मिल जाएगा। रेट बढ़ गए हों क्या इस टाइम पर या घट जाएंगे तो इस चीज़ की नहीं बता पाएंगे, पर हमने लिया था इसे 21,500 21,500 का। देखो ये प्रिंट होकर के आ चुका है, ठीक है, ये देखिए क्वालिटी ओके, प्राइवेसी कार्ड प्रिंट हो चुका है, हम वहाँ पकड़ के दिखाएंगे आप। ये देखिए फ्रंट की क्वालिटी और ये बैक की क्वालिटी। ठीक है, वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।